हेलो दोस्तों, नमस्कार भाई। वेलकम टू एग्जाम मास्टर चैनल। और एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे सभी छात्रों में खुशखबरी। ये खुशखबरी जान लीजिए, इतनी सुकून भरी है ना कि आपका दिल खुश हो जाएगा इस खबर को सुनकर के। शिक्षकों की अर्हता पर लगी मुहर, भर्ती प्रक्रिया का हुआ रास्ता साफ। 2018 में 29 जुलाई को पेपर हुआ था एलटी ग्रेड वैकेंसी का, 9,000 से अधिक पदों के लिए। उसके बाद से 2023 आ गया, कोई भी नोटिफिकेशन, ध्यान दीजिएगा, 2018 से एलटी ग्रेड में नहीं हो पाई भर्ती। क्यों? क्योंकि अर्हता तय नहीं हो पाई थी, जिसकी वजह से भर्ती रुकी थी। अब देखिए, यहां पर मैं बात करने वाला हूं किसकी, थोड़ा सा जूम कर देता हूं ताकि आपको ये खबर और अच्छे से समझ में आए। ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छी खबर है ये। ओके, प्रदेश के 2,332 राजकीय विद्यालय हैं, यानी उत्तर प्रदेश में कितने राजकीय विद्यालय हैं? 2,332। और इसमें प्रवक्ता और सहायक अध्यापक के पद, यानी एलटी ग्रेड के पद और प्रवक्ता के पद, दो टाइप के पद होते हैं। एक सहायक अध्यापक एलटी ग्रेड है ना, और दूसरा क्या है आपका, प्रवक्ता पद। अब देखिए, शिक्षकों की भर्ती के लिए शैक्षिक अर्हता को लेकर अब स्थिति साफ हुई है। शैक्षिक अर्हता तय करने के लिए 26 अप्रैल को एक गठित 5 सदस्यों की कमेटी बनाई गई थी, 26 अप्रैल को। और उस कमेटी ने अब अर्हता साफ कर दी है। विषयवार पदों पर चयन के लिए निर्धारित शैक्षिक अर्हता का समकक्ष अर्हता पर विचार विमर्श करते हुए अपनी रिपोर्ट शासन को भेज दी है। शासन की मंजूरी मिलने के बाद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया शुरू करेगा। राजकीय विद्यालय में सहायक अध्यापक एलटी ग्रेड के 10,768 पदों पर भर्ती के लिए 2018 में विज्ञापन आया था। कितना? 10,768 पद, और 2,500 से ज्यादा पद इसमें भी खाली रह गए थे। सोचिए, ये जो विज्ञापन आया था इसमें 2,500 से पद खाली रह गए। इस समय सहायक अध्यापक के स्वीकृत पदों में 19,300 पदों में 6,365 और प्रवक्ता के 9,463 पदों में से 3,957 पद खाली। यानी दोनों को अगर जोड़ दिया जाए, 6,000 और 3,000, 10,000 प्लस भर्ती एलटी ग्रेड में खाली। अब आप कहोगे कि सर जी, एलटी ग्रेड में टीचर हम कैसे बन पाएंगे? एलटी ग्रेड में अर्हता क्या है, कैसे बने एलटी ग्रेड का टीचर, ये बताइए। तो मैं आपको बता दूं कि इसके लिए देखिए, ये है आपका एलटी ग्रेड भर्ती। ये किसके लिए होती है? ये आपका जो जीआईसी होता है ना, वहां का लेक्चरर के लिए और सहायक अध्यापक के लिए। किसके? लेक्चरर और सहायक अध्यापक के लिए। एक तो जीआईसी प्रवक्ता भर्ती होती है और दूसरा होती है एलटी ग्रेड भर्ती, है ना। तो मैं बात कर रहा हूं एलटी ग्रेड भर्ती में 6,300 पद खाली है लगभग, और जीआईसी प्रवक्ता में 3,300 प्लस पद खाली है। दोनों को मिला देंगे तो आपके लगभग 10,000 के आसपास पद बन रहे हैं। अब इस पर एलिजिबिलिटी क्या बनती है, एलटी ग्रेड में टीचर कैसे बनेंगे, ये जो हमारे राजकीय विद्यालय हैं इसमें आप अध्यापक कैसे बनेंगे? तो आपका ग्रेजुएशन है ना, तो होगा ही होगा। बिना ग्रेजुएशन के तो आप इतने पढ़े लिखे होगे नहीं, है ना। इसमें आपको बीएड लगता है, क्या लगता है? बीएड लगता है। अब इसमें टेट और सीटेट नहीं लगता, ध्यान दीजिएगा। बिना टेट सीटेट की ये नौकरी है, 10,000 से अधिक पदों पर नौकरी आने वाली है एलटी ग्रेड की। और कब आएगा नोटिफिकेशन, ये भी ध्यान दीजिएगा। जुलाई तक लोक सेवा आयोग इसका नोटिफिकेशन तैयार कर सकता है। लेकिन ये भर्ती कैसे फंसेगी? अगर नए आयोग को मिल गया एलटी ग्रेड वैकेंसी कराने को, तब फिर नया आयोग थोड़ा टाइम लगाएगा। अगर लोक सेवा आयोग कराएगा तब तो जुलाई में आ जाएगा नोटिफिकेशन। और ये जो नया शिक्षा आयोग बन रहा है, अगर ये कराएगा इसकी वैकेंसी, तब आपको 1-2 महीना और वेट करना पड़ सकता है उसकी नियमावली को समझने में। तो ग्रेजुएशन हो प्लस बीएड हो। हाँ, अब कुछ मेरे प्यारे बीटीसी वाले, डीएलएड वाले भाई होंगे जो पूछेंगे, सर हम डाल सकते हैं क्या? तो बीटीसी वाले नहीं डाल सकते हैं। मुझे इसके लिए बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि एलटी ग्रेड के लिए या जीआईसी प्रवक्ता के लिए बीएड मांगता है ग्रेजुएशन के साथ, और ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मांगता है। यहां बात फंसा देता है। अब मैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पर जरा स्थिति क्लियर कर दूं। जैसे आपको हिंदी से फॉर्म भरना है तो आपका या तो 12th में संस्कृत रहा हो, या ग्रेजुएशन में कम से कम 2 साल तक संस्कृत रहा हो, यानी सेकेंड ईयर तक रहा हो संस्कृत। अगर आपको बायो से फॉर्म डालना है
तो आपको पिछली बार क्या था, थर्ड ईयर तक कह दिया है जूलॉजी और बॉटनी, है ना। जूलॉजी और बॉटनी फाइनल ईयर में रहना चाहिए, लेकिन कुछ लोगों का क्या होता है, केमिस्ट्री जूलॉजी हो जाता है, कुछ लोगों का केमिस्ट्री बॉटनी हो जाता है। तो ये अर्हता का पेज था जो साफ हो गया है, ठीक है। इसी तरह पीसीएम के लिए आप देखेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के लिए, फिजिक्स केमिस्ट्री वाले साइंस के लिए डाल पाएंगे और इसके मैथ के लिए डाल पाएंगे, कंप्यूटर के लिए। तो विषयवार भर्ती आती है भाई इसमें, सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी आती है, और जो सब्जेक्ट कम्बिनेशन मांगता है, जैसे एसएसटी का कम्बिनेशन क्या है, एसएसटी में अगर आपको फॉर्म डालना है तो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी या इकोनॉमिक्स, चार में से कोई दो आपका ग्रेजुएशन में रहा हो, कम से कम 2 साल तक ही रहा हो, लेकिन रहा हो ग्रेजुएशन में, तब आप एल्टी ग्रेड का फॉर्म डाल पाओगे। तो ये है सब्जेक्ट कम्बिनेशन का खेला। अब नया फॉर्म आएगा, उसमें सब्जेक्ट कम्बिनेशन की क्या अर्हता बनती है, क्या एलिजिबिलिटी बनती है, क्या समकक्ष योग्यता बनती है। अच्छा, इसका जो पेपर होता है एल्टी ग्रेड का, वो केवल एक पेपर होता है, निगेटिव मार्किंग होती है, निगेटिव मार्किंग के साथ होता है ये पेपर। अब तक जो हुआ था, मैं आपको बता दूं, अलग अलग विषय का अलग अलग पेपर होता है, 30 नंबर इसमें जीएस होता है, 120 सवाल आपके सब्जेक्ट के होते हैं, टोटल 150 का होता है, ठीक है। टोटल 150 का परीक्षा होता है, माइनस मार्किंग होता है। और मान के चलिए कि एल्टी ग्रेड में 101 वाले का, जैसे हिंदी की मेरी 113 के आसपास गई थी, सोशल स्टडी में 98 गई थी, अंग्रेजी में 92 गई थी, जिसका 92 सवाल था एल्टी ग्रेड में हो गया था 2018 में। तो इस तरह से सीट अच्छी रहती है तो मेरिट बहुत ज्यादा नहीं जाती है, मेरिट ओवर एंड ऑल अगर आप 110 प्लस नंबर ला देते हैं, आप शिक्षक बन जाएंगे, इसमें कोई इंटरव्यू नहीं होता है। एलटी ग्रेड की वैकेंसी, डायरेक्ट शिक्षक बनते हैं एलटी ग्रेड में, कोई इंटरव्यू नहीं, कोई टेट सीटेट नहीं, बस निगेटिव मार्किंग है, 150 नंबर का पेपर है। अब नया आयोग जो बनेगा, ये टीजीटी पीजीटी पैटर्न पर कर आएगा, हालांकि जीएस तो रहेगा ही रहेगा, जीएस हटेगा नहीं। तो अब आप एलटी ग्रेड में भी शिक्षक बन सकते हैं, राजकीय कॉलेज प्रवक्ता और एलटी ग्रेड की वैकेंसी का विज्ञापन संभवतः, अगर मैंने दो बातें कही है, लोक सेवा आयोग कराएगा तो जुलाई में आ जाएगा, नया शिक्षा सेवा चयन आयोग से होगा, तो कुछ बदलाव के साथ थोड़ा टाइम तो लगेगा पैटर्न समझने में, तो 1-2 महीना और लग सकता है, अगस्त तक जा सकता है। साथ ही साथ खंड शिक्षा अधिकारी कैसे बने, इसका वीडियो मैं आगे बनाऊंगा। एग्जाम मास्टर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एलटी ग्रेड भर्ती से रिलेटेड अगर कोई भी आपका डाउट है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए। आपके कमेंट को देखते हुए मैं अगला वीडियो बना दूंगा और उसमें आप सभी के कमेंट के सारे जवाब रहेंगे। ढेर सारे कमेंट करिए और सारे जवाब पाइए। अभी डायरेक्ट प्रवक्ता कैसे बनते हैं, बीईओ कैसे बनते हैं, ये सब मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, एग्जाम मास्टर के साथ बने रहें। थैंक यू सो मच।